हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी कुकिंग। फ्रेंड, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मज़ेदार आलू मटन कीमा। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। मैंने इसको बिल्कुल अलग तरह से बनाया है और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बहुत ही मज़े का ये कीमा बनकर तैयार होता है। तो इस रेसिपी को मैंने कैसे तैयार किया है और इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा, चलिए देखते हैं और बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिएगा कीमा। मैंने यहाँ पर ये मटन कीमा लिया है, इसको मैंने धो के छन्नी में रख दिया था ताकि इसके अंदर पानी ना रहे। अब मैंने इसके अंदर 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया डाल दिया है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, धनिया पाउडर 1 चम्मच डालेंगे, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच डालेंगे, 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक लहसुन डालेंगे, 1 बड़ा सा टमाटर जिसको मैंने बारीक काट कर डाल दिया है, 3 मीडियम साइज़ की प्याज है इनको भी मैंने बारीक काट कर डाल दिया है। और इसी के साथ हम यहाँ पर डाल देंगे नमक, तो नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेंगे। और अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप रख सकते हो। तो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर एक कटोरी रखेंगे, क्योंकि हम इसको तंदूरी फ्लेवर देंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। कटोरी के अंदर एक दहकता हुआ कोयला रखेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालकर इसको 30-35 सेकेंड के लिए ढक कर रख देंगे। 30-35 सेकंड बाद ये बिल्कुल तैयार हो गया है पकने के लिए। बस 30-35 सेकंड ही रखे, बहुत ज़्यादा टाइम इसको ना रखे। तो यहाँ पर ये मैंने सरसों का तेल अच्छे से गरम कर लिया है। अब मैंने इसके अंदर 6-7 लौंग डाल दी है, 2 बड़ी इलायची डाल देंगे, 2-3 टुकड़े दालचीनी के डालेंगे, 10-12 काली मिर्च डाल देंगे और 1 तेज़पत्ता तोड़कर अच्छे से डाल देंगे, और 1 छोटा चम्मच यहाँ पर हम जीरा डाल देंगे, और सारे मसालों को बहुत अच्छे से चटक जाने देंगे। जैसे ही सारे मसाले बहुत अच्छे से चटक जाएंगे, फिर हम इसके अंदर कीमा डालेंगे जो हमने पहले ही तैयार करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर मसालों को अच्छे से चटक जाने देंगे। तो यहाँ पर ये मसाले हमारे हल्के से फ्राई हो गए हैं और ये अच्छे से चटक गए हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये कीमा जो हमने तैयार करके रखा हुआ है। कीमा डालकर इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर पानी वगैरह कुछ भी ना डालें, क्योंकि प्याज है, टमाटर है और कीमा अपना पानी छोड़ देगा तो इसके अंदर बहुत सारा पानी हो जाएगा। तो यहाँ पर पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको ढक कर पकाएँगे 20-25 मिनट हल्की आँच पर। और यहाँ पर ये हमारे कीमे को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो गई है हल्की आंच पर। अब हम आंच को थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे और कीमे को बहुत अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर कीमा हमारा गल गया है, इसके अंदर थोड़ी सी कमी है। हम आलू डालेंगे तो आलू के साथ पकेगा तो पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये अब हम इसके अंदर आलू डाल देंगे। 3 मीडियम साइज़ के आलू थे, इनको मैंने छील के काट लिया है। और इसी के साथ हम यहाँ पर 2-3 हरी मिर्च डाल देंगे। मैंने ये मोटी वाली हरी मिर्च डाली है इसके अंदर। और बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेना है मिक्स। मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी लिया है, ये गर्म पानी लिया है मैंने। 1 गिलास इसके अंदर गर्म पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब हम इसको ढक कर पकाएंगे जब तक हमारे आलू बहुत अच्छे से नहीं गल जाते। तो यहाँ पर हम इसको कवर कर देंगे। और ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये कीमे को पकते हुए काफ़ी सारा टाइम हो गया है। मैंने बीच बीच में इसको चेक भी किया है। और ये देखिए, यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा सा हमारा कीमा तैयार हो चुका है। अब हम आलू को चेक कर लेंगे। यहाँ पर देख लेना आलू अच्छे से गले हैं कि नहीं। अगर नहीं गले हैं तो थोड़ी देर और पकाएं। और हमारे आलू यहाँ पर गल चुके हैं। तो अब मैंने इसके अंदर 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डाल दी है, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और सारी चीज़ों को खूब अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद हम इसको 2 मिनट इसी तरह से ढककर छोड़ देंगे, गैस फ्लेम बंद कर देंगे। 2 मिनट बाद हम इसको डिस आउट करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर हम इसको ढककर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारे कीमे को रखे हुए 2 से 3 मिनट हो गई है
और ये बिल्कुल तैयार हो गया है डिश आउट करने के लिए। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया ये आलू मटन कीमा बिल्कुल तैयार है। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड, अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। तो फिर मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।